अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हम लोगों ने टमाटर भी लाया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग टमाटर पानी में विद्युत धारा का प्रभाव देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसी प्रयोग को फिर से दोहराएंगे टमाटर जल के साथ में। तो हम लोग के पास आप लोग देख सकते हैं दो टमाटर है, और इस टमाटर को हम लोग यहाँ जल में निचोड़ेंगे, पानी थोड़ा कम होगा, बहुत ज्यादा हो गया तो टमाटर का प्रभाव कम हो जाएगा थोड़ा। अगले वीडियो में हम लोग नींबू का देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बारी बारी किया, शुरू में हम लोग नींबू जल में विद्युत धारा का प्रभाव देखे, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कम हो गया। जब तक निचोड़ रहे तब तक टमाटर हम लोग जल बना रहे हैं यहाँ पे टमाटर का घोल, जब तक निचोड़ रहे सब्सक्राइब लाल वाला का टिप दीजिएगा, पैसा वैसा नहीं लगता है उसे करने यहाँ निचोड़ रहे हैं सर मेरे। तो अदनान प्रिय छात्र इस तरह से हमारा टमाटर को निचोड़ते हुए पानी में टमाटर जल का घोल बनाते हुए और इस प्रयोग में साथ दे रहे हैं वीडियोग्राफी के साथ रौनक और अभय है, अमित जी हैं और बाकी तमाम 8 क्लास के सारे छात्र इस प्रयोग में शामिल हैं। और आज हम लोग का प्रयोग इसको मिलाते हैं सबसे पहले, इसको भी डाल देते तो आप देख सकते हैं टमाटर का घोल रेडी हो चुका है पानी के साथ, या बैटरी से डायरेक्ट जल रहा है देख सकते हैं। उसके बाद हम टमाटर में डालेंगे। चलिए कैमरा मैन नजदीक लाइए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये दोनों है, उसको हम डाल दे रहे देख सकते हैं। इस तरह से डालने पर भी तार अलग अलग है पानी में, देखिए आप देख सकते हैं, देख सकते हैं बल्ब हमारा प्रदीप्त हुआ लेकिन यहाँ पे कम जल रहा है, बहुत कम जल रहा है। तो सेम प्रयोग नींबू के साथ में भी हुआ था और अभी आप देख रहे हैं टमाटर के साथ में भी, तो टमाटर के साथ में भी हमारा बल्ब थोड़ा धीरे जल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है मगर इसमें करंट थोड़ा स्लो फ्लो हो रहा है, तो इसलिए बल्ब थोड़ा कम जल रहा है। तो ये प्रयोग भी हमारा इस तरह से पूर्ण हुआ, बैटरी से ज्यादा जलता है देख सकते, बैटरी से ज्यादा जलता है देख सकते, और यहाँ पे हम जब टमाटर में डालेंगे टमाटर में देख सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये।